बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दिस सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स टुडे। सो दिस लेक्चर विल बी द फर्स्ट पार्ट एंड देयर विल बी वन मोर वीडियो व्हिच विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग फैक्ट्स व्हिच विल बी अनएबल टू एक्सप्लेन इन दिस वन। So what are computer networks? You know, all your computers, your mobile devices, your laptops, and everything, tablets, they are all connected to some kind of network, like a Wi-Fi point. They are connected through wire. They are connected to the internet, to the World Wide Web, through some medium, either it is wired or wireless. So that all of those connections, they make up a network. And we are going to discuss further about computer networks in this video. So if you look, two or more computers or communication devices connected by transmission media and channels and guided by a set of rules for communication purposes that allow users to communicate with each other and share applications and data. सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जहाँ पे दो या ज़्यादा कंप्यूटर्स या कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में किसी ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्टेड होती हैं। अब वो ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। अगर वो तारों से कनेक्टेड हैं तो वायर्ड है, अगर वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो वो वायरलेस है। और ये कंप्यूटर जब आपस में कनेक्टेड होंगे तो दे विल बी गाइडेड बाई अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज। उनके दरमियान कोई रूल सेट हुए हुए होंगे कि वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस कैसे भेज सकते हैं, एक दूसरे से डाटा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, तो और एक दूसरे की एप्लीकेशंस भी कैसे शेयर कर सकते हैं। तो ये सारा जो ये कॉम्बिनेशन है, इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। अब नेटवर्किंग की क्यों ज़रूरत है, मतलब वाई डू यू नीड नेटवर्किंग? You need networking to share the information or data communication. मतलब आप लोगों को information share करनी है एक computer से दूसरे computer में या एक device से दूसरी device में। अब आप believe करें, पुराने ज़माने में क्या होता था कि इस तरह की floppy disk होती थी। आजकल तो USB drives आ गई हैं जो कि already बड़ी अच्छी और high speed भी हैं, high capacity भी हैं, मतलब gigabytes के अंदर आपको USB sticks available हैं। आप believe करें कि सन 2003-04 के टाइम में मैंने ख़ुद ये फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल की, इसकी कैपेसिटी होती थी 1.44 MB। एंड कैन यू बिलीव कि आजकल आपके मोबाइल का जो कैमरा इमेज बनाता है, दैट इज़ मोर देन 1.44 MB। मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ लाइक 3 MB, 4 MB। और जब आप अगर उस एक तस्वीर को इसमें सेव करना चाहें तो आप नहीं थे कर सकते। और फिर ये इतनी डेलिकेट होती थी कि आप इसमें कोई, लेट्स से कि आपने एक लो क्वालिटी पिक्चर सेव कर ली एक कंप्यूटर से, आप बाज़ार में प्रिंट लेने जाते हैं, वहाँ जाके तो पता चला जी कि फ्लॉपी डिस्क तो ख़राब हो चुकी है, ये तो चलती नहीं, ये किसी मैग्नेट के नज़दीक रख दिया आपने, ख़राब हो गई, और 100 रीज़न थी जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाए। तो ये एक बड़ा TDS मैथड था। तो देर इज़ अ नीड फॉर another medium of sharing the information or data communication, मतलब इससे better किसी medium की ज़रूरत है। Still आप एक computer में flash disk लगाते हैं, वहाँ से ले कर दूसरे में लगाते हैं, तो ये भी एक TDS task है। मतलब आपको बग़ैर कोई external चीज़ इस्तेमाल किए data transfer करने की ज़रूरत है, और उस मकसद के लिए आप computer network का इस्तेमाल करते हैं। आप देखें कि ये computers मुख्तलिफ एक network पर connected हैं, ये दरमियान में कोई एक server है, तो आप ये कंप्यूटर आपस में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे की एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। आप देखें कि इसमें आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। अब आप देखें कि एक तो तरीका ये है कि ये किसी बिल्डिंग के अंदर ये कंप्यूटर्स लगे हैं डिफरेंट, और हर कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर लगा हुआ है। अब आप देखें कि ये कितने ज़्यादा प्रिंटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर उनकी मेंटेनेंस, उन सारों की जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें मिल मिला के तो ये ठीक ठाक एक्सपेंसिव चीज़ बन जाती है। इसकी निस्बत अगर वो सारे एक नेटवर्क से कनेक्टेड हों,
कंप्यूटर्स और सेंट्रल एक प्रिंटर लगा हुआ, लेट्स से कि 5-6 ऑफिसेज हैं उनके बाहर कॉरिडोर के अंदर एक कॉमन प्रिंटर लगा हुआ हो जो कि अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर हो, बजाय 4-5-6 प्रिंटर्स रखने के, और वो प्रिंटर नेटवर्क से कनेक्टेड हो। अब उन में से कोई भी बंदा अपने कंप्यूटर से प्रिंट की कमांड दे और वो नेटवर्क प्रिंटर सिलेक्ट करे तो उस नेटवर्क प्रिंटर पे उसका प्रिंट पहुंच जाएगा, वो अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोले, कॉरिडोर में जाए और प्रिंट लेके आ जाए। तो इस तरह से नेटवर्क जो हैं वो बंदे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं रिसोर्स सेव करने में, एनर्जी सेव करने में और आसानी क्रिएट करने में। अब वो उस प्रिंटर में कोई इशू आता है तो एक प्रिंटर को देखना ज़्यादा आसान है, उसके टोनर रिप्लेस करना, उसकी मेंटेनेंस, बजाय ये कि 6-7 प्रिंटर्स हैं तो आप उनको अलग-अलग मैनेज करें, उनकी जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा कॉस्टली भी होगी, डिफ़िकल्ट भी होगी और एनर्जी एक्सपेंसिव भी होगी। इसी तरह से दूसरा जो इसका फ़ायदा है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट बेस्ड, सो एवरी वन कैन एक्सेस द सेम एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट एप्लीकेशन फ्राम देयर पीसीज। मतलब आप देखें कि जिस तरह एक नेटवर्क है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके अंदर अगर आप इंटरनेट बेस्ड उसकी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि जितने यूज़र्स हैं उस इदारे के अंदर उनके जो कंप्यूटर्स हैं उनमें से किसी को कोई एप्लीकेशन चाहिए तो एक सेंट्रल सर्वर हो जिस पे आप वो एप्लीकेशन अपलोड कर दें तो उन सारे लोगों को वो एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाए। तो इस तरह से आप जो उसकी सपोर्ट है वो बड़ी क्विकली हासिल कर सकते हैं। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स को देखें, एप्पल के आईफोन्स को देखें, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो हर एक बंदे को जाके कॉपी करके ला के अपने फ़ोन में नहीं इंस्टॉल करनी पड़ती, बल्कि एक सेंट्रल प्लेस है, गूगल प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, उस पर आप जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने सेंट्रल जगह पे एप्लीकेशंस रख दी हैं। अब जितने भी उससे कनेक्टेड यूज़र्स हैं वो उस जगह से जाके वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं ईज़िली, जो है वो अपना देखें कि डाटा वहाँ से हासिल कर लिया आपने। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस हैं। फिर हम देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो डिपेंडिंग ऑन वन्स पर्सपेक्टिव वी कैन क्लासिफाई नेटवर्क्स इन डिफरेंट वेज। नेटवर्क्स की कोई एक तरह से टाइप नहीं हम करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि किस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं उस हिसाब से उसकी टाइप्स देखेंगे। अगर आप ट्रांसमिशन मीडियम के हिसाब से देखते हैं तो उसमें इसकी दो टाइप्स होंगी, एक वायर्ड और दूसरी वायरलेस। वायर्ड जो होगी उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की केबल्स होंगी, उन केबल्स में ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर हो सकती हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर हो सकती हैं, कोएक्सियल केबल्स हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक और डिफरेंट काइंड्स की केबल्स हो सकती हैं। तो ये अगर केबल से आपका नेटवर्क कनेक्टेड है तो वो वायर्ड नेटवर्क कहलाएगा, और अगर वो केबल्स के बगैर कनेक्टेड है, किसी वायरलेस मीडियम से कनेक्टेड है लाइक वाईफाई राउटर या और इस तरह के पॉइंट से, तो उसको हम फिर वायरलेस नेटवर्क कहेंगे। तो ये ट्रांसमिशन मीडियम के हिसाब से इसकी दो टाइप्स हैं। अगर आप नेटवर्क साइज़ के हिसाब से बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये मैन कहलाता है। तो इस नेटवर्क साइज़ के हिसाब से इसकी ये दो या तीन टाइप्स की जा सकती हैं। अगर आप मैनेजमेंट मेथड के हिसाब से डिवाइड करें नेटवर्क्स को तो उनकी फिर दो टाइप्स बनती हैं, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क और दूसरा है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इन दोनों में अलग अलग दोनों के हिसाब किताब है, ये आगे फिर हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप टोपोलॉजी के हिसाब से यानी कि कनेक्टिविटी के जो उसका मेथड है उसके हिसाब से उसको अरेंज करें तो तीन टाइप्स बनेंगी, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है और रिंग टोपोलॉजी है। तो इस तरह से आप कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट क्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो है बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि अगर ट्रांसमिशन मीडियम के हिसाब से देखा जाए तो इसकी दो मेन कैटेगरीज आती हैं, गाइडेड या अनगाइडेड। गाइडेड में वायर्स होंगी, केबल्स होंगी, अनगाइडेड में वायरलेस कम्युनिकेशन होगी जिसमें रेडियो वेव्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड साउंड वेव्स एट्सेट्रा। अब ये जो भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो कोई रेडार है, चाहे वो कोई वाईफाई हॉटस्पॉट है, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन है, ये सारे इन रेडियो वेव्स या किसी वेव के थ्रू आपस में
कनेक्टेड होंगे और अपनी जो ट्रांसमिशन है इनकी वो चलेगी। अगर आप गाइडेड को देखते हैं, इसमें वायर्स या केबल्स का कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहला जो है उसमें आ जाती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होती हैं, ये आम जो आपकी नेटवर्क केबल होती है जो कि आमतौर पर लगी हुई आपको नज़र आती है मुख्तलिफ बिल्डिंग में, घरों में भी लोग लगाते हैं, ब्लू कलर की, वाइट कलर की, तो ये इसको नेटवर्क केबल या लैन केबल कहते हैं। ये एक्चुअली ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। अगर इसको खोल के देखें तो अंदर इसके पेयर्स बने हुए होते हैं। इसके अंदर चार पेयर्स होते हैं दो दो केबल्स के, यानी कि टोटल आठ वायर्स होती हैं इसके अंदर। तो इसमें दो तरह की वायर्स आती हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसमें फ़र्क क्या है? अनशील्डेड जो है उसके गिर्द कोई शील्डिंग नहीं होती। अगर उसको आप इलेक्ट्रिक वायर्स के करीब रखेंगे तो उसका डाटा लॉस होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे वो डिस्टर्ब होगी। जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होगी उसके गिर्द एक शील्ड होगी, यानी कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता आप चाहे बिजली की तारों के साथ उसको जोड़ के तो गुजार लें किसी पाइप के अंदर से या दीवार के अंदर फिट कर दें तो उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आ जाती हैं कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स ये केबल हैं जिस तरह की आपने देखी होंगी आपके टेलीविज़न या जो केबल नेटवर्क है ये वाले जो केबल देते हैं इसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। इस केबल का ये स्ट्रक्चर होता है कि एक सेंटर में वायर होती है, फिर उसके गिर्द एक शील्डिंग होती है और फिर एक बाहर उसके जाली की तरह की वायर होती है, तो ये कोएक्सियल केबल कहलाती है। ये भी नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती हैं। द मोस्ट रीसेंट एंड मोस्ट एडवांस्ड इज़ द फाइबर ऑप्टिक केबल्स। जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं इस केबल के अंदर बेसिकली ये ऑप्टिकल केबल्स हैं। इसके अंदर ये जो फाइबर होता है ये ग्लास होता है, ये जो शीशा है ये होता है, और इसके अंदर से लाइट पास करती है। ये ऑप्टिक इसीलिए कहते हैं कि इसके अंदर से लाइट पास करती है, तो इसके अंदर से डाटा भी लाइट की स्पीड से ट्रांसफ़र करता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड और अच्छी केबल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल और हाई स्पीड नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती हैं, और ये लॉन्ग रेंज भी हैं, यानी कि लंबे फासले पर ये डाटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसमें मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं। ये देखें आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, सेटेलाइट्स हैं, वाईफाई एंटेनाज हैं, और जो ये वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वायरलेस नेटवर्क के अंदर आ जाती हैं, जिसमें भी आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब इसमें जो दूसरी टाइप है नेटवर्क के साइज़ के हवाले से अगर आप उसकी टाइप्स को देखें तो सबसे पहली आ जाती है लोकल एरिया नेटवर्क, जो स्मॉलेस्ट नेटवर्क साइज़ है तीनों में, जो लैन, मैन और वैन हमने देखे। इसमें देखें ये स्मॉलेस्ट नेटवर्क है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। ये एक बिल्डिंग के अंदर या एक आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर काम करेगा, उससे बाहर नहीं होता। फिर रूम, फ्लोर या बिल्डिंग में काम करेगा। लिमिटेड बाय नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड। इसमें इस केबल का डिस्टेंस भी होता है कि इससे ज़्यादा लेंथी केबल हो जाए तो फिर वो काम नहीं करेगा, या मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो सकते हैं जितनी कि आपके स्विच में गुंजाइश है। यूजली वन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू आउट द लैन। नॉर्मली क्या होता है कि सारे जो लैन का आपका सिस्टम है उस पर एक जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती है, चूँकि वो एक जैसा नेटवर्क होता है। और ज़्यादातर ये क्या करता है कि ये किसी एक डिपार्टमेंट को सर्व करता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होता, देर आर मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स। सो मोस्टली एक जो डिपार्टमेंट है उसका एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा, दूसरे का दूसरा होगा, और फिर वो सारे आपस में कनेक्टेड होंगे। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? नेटवर्क इनसाइड द स्टूडेंट कंप्यूटर लैब, जो आपकी कंप्यूटर लैब है उसमें आप देखें कि सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू अ नेटवर्क, दैट इज़ द लोकल एरिया नेटवर्क। किसी स्मॉल ऑफिस में या आपके घर में जो वाईफाई डिवाइस पड़ी है उससे आपके मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। तो इसमें देखें कि एक स्विच होता है, नेटवर्क स्विच जिसको बोलते हैं, इसमें पोर्ट्स होती हैं, उसमें केबल लगा के तो आगे फिर सारी डिवाइसेस तक वो केबल जाती है, चाहे वो प्रिंटर है, वाईफाई राउटर है, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं, लैपटॉप, तो वो सारे इस स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है, और ये स्मॉलेस्ट नेटवर्क है अकॉर्डिंग टू द साइज़।
दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो तीसरी टाइप हमने डिस्कस की थी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN जिसको लिखा हुआ था, उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो लोकल और वाइड के दरमियान में आता है। जो लोकल एरिया है वो किसी एक डिपार्टमेंट का नेटवर्क है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। वाइड एरिया जो है वो पूरी दुनिया के अंदर है, और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो किसी एक सिटी के अंदर का नेटवर्क होगा। मतलब एक सिटी के डिफरेंट जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू अ नेटवर्क, तो वो डिफरेंट उनके लोकल एरिया नेटवर्क्स ओवरऑल आपस में कनेक्टेड होंगे, तो इस सारे कॉम्बिनेशन को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। यानी कि किसी एक सिटी का, किसी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया का ये नेटवर्क है। जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ये इसमें लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन होती है, जिसमें दो से ज़्यादा लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं डिफरेंट प्लेसेस में हैं, उनको आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये एक न्यूयॉर्क के अंदर बिल्डिंग है और एक लंदन के अंदर बिल्डिंग है, और दोनों आपस में ये किसी मीडियम से वायरलेस या वायर्ड कनेक्टेड हैं, और उनके जो अपने नेटवर्क्स हैं अंदर, वो ये कंप्यूटर अब इस बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को रीच कर सकते हैं, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा, जो कि यानी कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आपके जो डिवाइसेज हैं वो आपस में कनेक्ट हो गई हैं। तो ये सारा क्या है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। आप मतलब किसी भी जगह पे, ज़मीन में जो जगह है वहाँ पे दूसरी डिवाइसों से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द वाइड एरिया नेटवर्क्स। इसके एग्जांपल्स में देखें, इंटरनेट इसकी एग्जांपल है। मतलब आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट किसी कंट्री के सर्वर पे होस्टेड है, आप खोल सकते हैं। और टेलीनॉर को आप देखें, फॉर एग्जांपल जो मोबाइल कंपनी है हमारी, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है, तो इसके जो नेटवर्क्स हैं वो सारी कंट्रीज़ में आपस में जो अगर जुड़ा हुआ है, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेटवर्क टाइप्स बेस्ड ऑन देयर मैनेजमेंट मेथड्स। इसमें सबसे पहला जो हमने टाइप पढ़ी थी, दैट वाज पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क को आप वर्क ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, देयर इज़ नो हायरार्की अमंग कंप्यूटर्स। आई मीन ऑल द कंप्यूटर्स आर इक्वल। इसमें कोई ये नहीं कि ये एक सर्वर है, बाकी क्लाइंट्स हैं, ये सारे इक्वल होते हैं। इसमें कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ये देखें, पीयर टू पीयर मॉडल में ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है। इसी तरह हर एक कंप्यूटर दूसरे सारे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसमें कोई एक सेंट्रल सर्वर नहीं होता। तो जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है वो इसके अपोजिट है, उसके अंदर एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसको सर्वर कहते हैं, जो सारों को सर्व करता है और बाकी सारे कंप्यूटर उससे कनेक्टेड होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये लो कॉस्ट है, इट इज़ सिंपल टू कॉन्फ़िगर, एंड यूज़र हैज़ फुल एक्सेसिबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब इसमें आप अपने कंप्यूटर की आपको पूरी एक्सेस होती है, कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसको कॉन्फ़िगर करना आसान है, इसकी कॉस्ट कम है। जो डिसएडवांटेजेस हैं इसके, वो क्या हैं कि इट मे हैव डुप्लीकेशन इन रिसोर्सेज। इसमें बहुत सी चीज़ें डुप्लीकेट हो सकती हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। इसी तरह डिफ़िकल्ट टू अपहोल्ड सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब इसमें सिक्योरिटी पॉलिसी लगाना बहुत मुश्किल है, कि सारे कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, कोई सेंट्रल रूल तो है नहीं कि आप उस पर डिफ़ाइन कर दें कि ये सिक्योरिटी पॉलिसी है, तो सिक्योरिटी वीक होती है। और अनइवन जो लोडिंग है वो इस पर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। मतलब किसी कंप्यूटर पर लोड ज़्यादा आ जाता है तो वो क्रैश हो सकता है, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पर 10 या लेस यूज़र्स हों, कोई स्पेशलाइज्ड सर्विसेज रिक्वायर्ड ना हो, और सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना हो, और इसमें कोई लिमिटेड ग्रोथ है। मतलब आप एक्सपेंशन बहुत कम हो सकती है, जबकि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है उसको आप इजीली एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जो दूसरा टाइप है वो क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क है। इसमें देखें कि जो वर्क स्टेशन हैं वो नेटवर्क क्लाइंट्स कहलाते हैं। जो कंप्यूटर, आम कंप्यूटर, कंप्यूटर लैब के अंदर सारे पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे नेटवर्क क्लाइंट्स हैं। दे रिक्वेस्ट नेटवर्क रिसोर्सेज और सर्विसेज थ्रू अ कंप्यूटर कॉल्ड एज सर्वर। वो सारे कंप्यूटर अपनी रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजेंगे, जो सर्वर होगा उसके पास भेजेंगे। सर्वर क्या है, सर्वर्स आर दोज कंप्यूटर्स दैट मैनेज एंड प्रोवाइड नेटवर्क रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू क्लाइंट्स। अब सर्वर्स सारे क्लाइंट्स को नेटवर्क रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्लाइंट कहता है कि मुझे ये वाले सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर सर्वर पे स्टोर्ड है वो उसको देगा। क्लाइंट कहता है मुझे ये वेबसाइट खोलनी है, तो वो थ्रू सर्वर
आगे वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करेगा। सो इसके अगर हम पॉइंट्स को देखें, इट यूजली हैव मोर प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी एंड हार्ड स्पेस देन क्लाइंट्स। जो सर्वर मशीन होती है या कंप्यूटर होता है वो नॉर्मली ज़रा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होता है बाकी क्लाइंट कंप्यूटर से, उसकी प्रोसेसिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी मेमोरी ज़्यादा होती है और हार्ड स्पेस भी ज़्यादा होती है। इट कैन रन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन मैनेज नॉट ओनली डाटा बट ऑल्सो यूजर्स ग्रुप सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन ऑन द नेटवर्क। तो सर्वर जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकता है, मतलब आप लोग तो विंडोज 10 को रन कर रहे हैं या कोई विंडोज 7, 8, समथिंग एल्स। सर्वर के ऊपर विंडोज सर्वर होती है जो कि एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उसमें खाली आप डाटा नहीं अरेंज कर सकते बल्कि यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज लगा सकते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। मतलब उस पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो आपने सारे क्लाइंट्स पे, तो आप सर्वर के ऊपर उसको कॉन्फ़िगर करके सॉफ्टवेयर को रख दें तो सारे क्लाइंट्स पे वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बजाय ये कि फ्लैश ड्राइव लें या हर जगह जाके डाउनलोड करें, आप उस सर्वर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन सर्वर्स ऑफन हैव अ मोर स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट ऑन इट्स परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। सर्वर्स की जो परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो यूजली कॉस्टली भी होते हैं, और जो मशीन्स होती हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं? इट कैन फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि यू कैन सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट एंड कंट्रोल। मैंने अभी आपको बताया कि आप रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, एक सर्वर पे आप एक सॉफ्टवेयर रख दें और वो सारे क्लाइंट्स पे जाके इंस्टॉल कर लें, तो आपने रिसोर्सेज शेयर कर लिए। फैसिलिटेट सिस्टम बैकअप एंड इम्प्रूव फॉल्ट टॉलरेंस, इसमें बैकअप कन्फिगर कर सकते हैं आप कि आपकी कोई फाइल डिलीट हो जाए, कोई हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, जल जाए, तो इवन देन योर डाटा कैन बी रिट्रीव्ड बिकॉज इट इज़ बीइंग बैक्ड अप। और फॉल्ट टॉलरेंस है यानी कि कोई ख़राबी हो गई तो उसको इजीली आप रिकवर कर सकते हैं, देन के क्लाइंट के ऊपर अगर हो जाती है तो उसको आप रिकवर कर सकें। फिर इसके अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा इन्हेंस्ड है, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सर्वर तक एक्सेस कर सकता है, हर बंदा नहीं एक्सेस कर सकता, तो उस पर जो डाटा स्टोर्ड है दैट इज़ सेफ। इट सपोर्ट्स मोर यूजर्स एंड डिफ़िकल्ट टू अचीव विद पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर में नंबर ऑफ़ यूज़र्स आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन सर्वर के अंदर नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और उनको सेंट्रली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस सबसे बड़ा ये है कि सर्वर्स की कॉस्ट आई है, सर्वर्स बड़े एक्सपेंसिव हैं अगर आप अच्छा सर्वर लेते हैं। देन यू नीड एन एक्सपर्ट टू कन्फिगर द नेटवर्क। आम बंदा इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर भी नहीं कर सकता, आपको एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो कि सर्वर का नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सके। एंड देन इंट्रोड्यूस अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर टू द सिस्टम। अगर आपका सर्वर खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, जल जाता है, ख़राबी हो जाती है, तो आपका सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो ये इसके अंदर डिसएडवांटेजेस हैं। फिर जो लास्ट टाइप है कंप्यूटर नेटवर्क्स की, इस थ्रू नेटवर्क टोपोलॉजी। तो देर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। आप सोच रहे होंगे कि इतने कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो उनके तीन बेसिक टोपोलॉजीज़ हैं। सबसे पहली है बस टोपोलॉजी, दूसरी है स्टार टोपोलॉजी और तीसरी है रिंग टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर्स एक वायर के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक स्टार की तरह सेंट्रल में कोई एक हब है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड हैं, और रिंग टोपोलॉजी में एक रिंग की फॉर्म में ये आपस में कनेक्टेड हैं। अभी इनकी डिटेल्स हम देखते हैं। सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज सिंपल एंड लो कॉस्ट। अ सिंगल केबल कॉल्ड अ ट्रंक इसमें प्रेजेंट होती है, जिसको बैकबोन या सेगमेंट भी कहते हैं। अब ये जो ट्रंक है सेंटर में, इससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक केबल से। तो इसमें होता क्या है, ओनली वन कंप्यूटर कैन सेंड मैसेज एट ए टाइम। चूँकि ये केबल एक है लिहाजा एक वक्त में एक कंप्यूटर मैसेज सेंड कर सकता है, तो इसमें डाटा ट्रांसफ़र जो रेट है वो स्लोअर हो जाएगा। इट इज़ अ पैसिव टोपोलॉजी। कंप्यूटर ओनली लिसन फॉर नॉट रीजनरेट डाटा। इसमें कंप्यूटर्स क्या करते हैं, बाकी लिसन करते हैं, वो डाटा को रीजनरेट नहीं कर रहे होते, एक कंप्यूटर मैसेज सेंड कर रहा होता है। तो ये सबसे जो सिंपल टोपोलॉजी है नेटवर्क कनेक्शन की, वो बस टोपोलॉजी है। दूसरी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी नॉर्मली वो जो हम अपने इधर कंप्यूटर लैब में भी यूनिवर्सिटी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने घरों में यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या है कि ईच कंप्यूटर हैज़ अ केबल कनेक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट। सेंटर में एक सिंगल पॉइंट होता है, कोई हब है, कोई नेटवर्क स्विच है, जिसके साथ सारे कंप्यूटर्स इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं।
इसके डिसएडवांटेज या डीमेरिट आप क्या कह सकते हैं कि मोर केबलिंग इज़ रिक्वायर्ड सो इट हैज़ हायर कॉस्ट, मतलब केबल्स इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए लिहाजा इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। ऑल सिग्नल्स ट्रांसमिशन थ्रू द हब, सारी सिग्नल ट्रांसमिशन उस सेंट्रल हब या नेटवर्क स्विच के थ्रू हो रही है, तो अगर ये हब आपका फॉल्टी हो जाता है या डाउन हो जाता है तो आपका सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, सारे कंप्यूटर डिसकनेक्ट हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ द हब, टू और मोर कंप्यूटर्स में सेंड मैसेज एट द सेम टाइम। ये इसमें चूंकि अभी बड़े एडवांस्ड नेटवर्क स्विचेस आ गए हैं, तो आप सारे कंप्यूटर्स एक ही वक्त में मैसेजेस सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं और डाटा आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ये स्टार टोपोलॉजी है जो कि नॉर्मली हम अपने कंप्यूटर लैब में और इस तरह लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। देन इज़ द रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या है कि हर कंप्यूटर एक रिपीटर के तौर पे सर्व करता है ताकि सिग्नल्स बूस्ट हो, मतलब इससे डाटा कंप्यूटर इस दूसरे कंप्यूटर में आता है, ये कंप्यूटर उसमें से फिर आगे अगले कंप्यूटर तक डाटा ट्रांसफ़र करता है, फिर ये आगे करता है। तो इसमें मतलब केबल की लेंथ ज़्यादा नहीं होती क्योंकि दरमियान में ये पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि उसको सिग्नल को बूस्ट कर देते हैं। अगर ये बगैर कंप्यूटर्स के केबल होगी तो उसका सिग्नल वीक हो जाएगा ओवर डिस्टेंस, लेकिन चूंकि इसमें हर थोड़े फासले पे एक कंप्यूटर है तो वो सिग्नल को बूस्ट कर देते हैं। और इसमें टिपिकल एक मेथड है डेटा सेंड करने का कि एक कंप्यूटर से आगे दूसरे दूसरे तीसरे में ट्रांसफ़र होगा, और इसमें टोकन्स पास होते हैं, मतलब हर कंप्यूटर एक टोकन जनरेट करता है डाटा का जो कि आगे डाटा को पास करता है। सो जो कंप्यूटर टोकन गेट करेगा वही डाटा सेंड कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऐड मोर कंप्यूटर्स, अब इसमें मज़ीद कंप्यूटर ऐड करने हो तो मुश्किल है, मोर एक्सपेंसिव एंड इफ़ वन कंप्यूटर फेल्स होल नेटवर्क फेल्स। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक कंप्यूटर बीच में फेल हो जाता है तो आपका सारे का सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा या डाउन हो जाएगा। तो ये तो नेटवर्क की बेसिक्स थी। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि नेटवर्क के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कंप्यूटर आपस में कनेक्ट एक्चुअली कैसे करते हैं, इंटरनेट क्या चीज़ है, और इन सारी चीज़ों को हम आगे देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में जो चीज़ें डिस्क्राइब की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर उसको कमेंट करें, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।